दिया था कि हुसैन की लाश को घोड़ों से पामाल कर दिया जाए। हुसैन ने सज्जाद से वसीयत की थी, बेटा जब इजाज़े इमामत से मेरा लाशा दफन करने आओ ना, सब लाशें दफन करने के बाद, मेरी लाश के टुकड़े कब्र में उतारने के बाद, एक काम करना, मेरे अली असगर का लाशा उठा के मेरे सीने पे दफन कर देना। आजाद अगर से उलमा कहते हैं कि पैती की तरफ दोनों बाप बेटे दफन हैं, लेकिन अक्सर उलमा ये कहते हैं कि इमाम सज्जाद फिर कब्र से बाहर निकले और अपने शशमाहे भाई अली असगर की टुकड़े टुकड़े लाश, एक छोटा सा टुकड़ा मिला, उठा के कब्र में उतरे और सीने पे बाबा के रख के रो के कहते हैं, बाबा सज्जाद को माफ कर देना, मुझे भाई का इससे ज्यादा लाशा नहीं मिला, जो मिला है मैंने तेरे सीने पे रख दिया है। आजादो तभी तो सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह का सलाम पेश कर, तो अली असगर के बाबा आप पे हमारा सलाम हो। हुसैन की लाश के बाकी टुकड़े तो दफन हो गए, लेकिन सरे हुसैन दफन नहीं हुआ था। सर तो नोके नेजा पे सवार करके शाम कूफा के बाजारों और दरबारों में लाया गया। अजादर सज्जाद ने बाकी सारे शहदा के सर शाम में दफन कर दिए थे, आप भी वहां पर मजार मौजूद रहो उसे शहदा की, लेकिन अपने बाबा का कटा हुआ सर लेके 20 सफर को करबला में पहुंचा था। अब बाबा की सर को भी दफन करना था। पहले जब बाबा की लाश के टुकड़े दफन किए थे तो फूफियां मौजूद नहीं थी, माएं बहनें मौजूद नहीं थी, लेकिन आज जब सज्जाद अपने बाबा का सर दफन करने लगा तो यकीनन कब्र खोदी होगी। अब जैनब जो है वो देख रही है, रुबाब देख रही है, कुलसूम देख रही है, अपने बाबा की कब्र को दफन करके तबीज़े कब्र पे ये जुमला लिखा, हाज़ा कब्र हुसैन इब्न अली अल्लज़ी क़तलूहु अदशाना, दुनिया वालों ये हुसैन इब्न अली की कब्र है जिसको प्यासा शहीद कर दिया गया। आज़ादर बीबी ने जब ये मंजर देखा ना तो ज़ारो कतार रो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। शायद आज ही का तीसरा हो या चौथा दिन हो, सज्जाद आके अपनी फुफी ज़ैनब से कहते हैं, अम्मा अम्मा चलो मदीना चले, चलो मदीना चले। क्यों बेटा, हम तो चंद दिन और रहना चाहती हैं। कहा, नहीं अम्मा, अगर चंद दिन और रह गया ना तो ये चंद बीबी और बच्चे बचा के लाया हूँ ना, इनमें से कोई भी मदीना जिंदा नहीं पहुंचेगा। आज़ादर इमाम ने हुक्म दे दिया, काफले में बीबियां सवार हो गई। जब महलों में सवार हो चुकी ना तो एक मर्तबा सज्जाद रो के अपनी अम्मा ज़ैनब से कहते हैं, फूफी ज़ैनब जरा देख लो कोई बीबी रह ना जाए। आज़ादर सज्जाद जब ये कहा ना तो ज़ैनब ने काफले पे निगाह डाली, एक मर्तबा रो के कहती है, बेटा सज्जाद अली असगर की माँ हुसैन के घर की रौनक रुबाब मुझे नजर नहीं आ रही। आज़ादर बस ये सुनना था कि सज्जाद का रुख बाबा की कब्र की तरफ फिरा, देखा बाबा की कब्र पे सिया बुर्दा पोश बीबी बैठी रो रही है। आज़ादर आए, आके अपनी माँ को सलाम किया, अम्मा कैसी बेटे का सलाम है। आज़ादर रुबाब ने आगे बढ़ के सज्जाद के कड़ियों वाले जख्मी हाथों में बोसा दिया, बोसा दे के पूछा, बस आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ, पूछा बेटे सज्जाद क्यों आए हो। कहा, अम्मा हम मदीना जा रहे हैं, मदीना जाने के बारे में क्या ख्याल है। बस आज़ादर आखिरी जुमला और मजलिस तमाम जब ये सुना ना तो रुबाब रो के कहती है, बेटा सज्जाद मदीना जाए मदीना वालियां, मेरा मदीना में क्या, मेरी सकीना शाम में रह गई, मेरा अली असगर करबला में, मुझे कब्र अली असगर पे बैठे रहने दो, कब्र अली असगर की मुजादिर बन के जिंदगी गुजार दूंगी।